पानी चालू कर रहे हैं ना, उसका आधा काम कहा जाए अधूरा पड़ा हुआ है। आधा पूरा हुआ? वो आधा पूरा नहीं हुआ है, अभी जो नल जल है स्कीम है यहाँ जो कहते हैं धारा पड़ा हुआ है। और ये गाड़ी आए है बिन फालतू के, हाँ पानी देहू कह के, हाँ तो हमला पानी चाहिए नहीं मिलते, नहीं मिले गोटला तो बहुत बता देते, हाँ धुनक देते, कुछ काम नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूँ राकेश मिश्रा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। आज हम पहुँचे हम गांव में और यहाँ पे लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पे स्थानीय समस्या क्या है और आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से यार नल जल योजना के तहत पाइप तो लगा दिया गया पर पीने के पानी की समस्या भी ज्यों के त्यों बनी है। ये लोग अभी खेतों में जो ठोड़ी बना रहता है उसके पानी पीने को मजबूर हैं, जिसको लेकर ये लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा यहाँ के लोगों से बात करते हैं और क्या सोचते हैं यहाँ के लोग। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमर सिंह वाखरे, ग्राम आम गाँव निवासी हूँ। किस तरह की समस्या है गाँव में? सबसे आम गाँव में ज़्यादा पानी की समस्या है, गाँव के लोग सब खेत के ठोड़ी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं ठोड़ी बना के, और यहाँ नल जल जो स्कीम है शासन का सरकार का वो भी फेल है, दो तीन साल से लगभग ज्यो कहते हैं पड़ा हुआ है ना, तो वो पानी चालू कर रहे हैं ना, उसका आधा काम कहा जाए अधूरा पड़ा हुआ है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है तो इसका कितना असर पड़ेगा आपके गाँव में? तो गाँव वाले तो यही मुद्दा उठाएंगे पानी की समस्या को लेकर के, क्योंकि ज़्यादा जरूरी पानी है, पानी नहीं, पानी नहीं आ रहा है तो चुनाव में इसका फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, बोलेंगे लोग। सरकार का वादा था कि घर घर पानी दिया जाएगा, क्या हुआ? वादा पूरा हुआ? वादा पूरा नहीं हुआ है, अभी जो नल जल है स्कीम है यहाँ जो कहते हैं धारा पड़ा हुआ है और लोग सब पानी के चलते परेशान है, परेशान है। चुनाव में मुद्दा होगा? हाँ मुद्दा तो होगा। आप क्या मानते हैं? वही की बात है, बताई से तेज बात तो मानेंगे अब नहीं है, पानी की समस्या हम लोग बताना जरूरी है। दे हम लोग अब घर घर नल दे, घर घर पानी दे, तब नहीं दे तो चला ना भाई दे। अभी चुनाव के समय नेता लोग आएंगे, अब बात करेंगे पानी देंगे ये देंगे, क्या लगता है पूरा होता है? कभी नहीं होता है पूरा, ना नहीं होता है ना, बोल बोल के तो भाग दिएगा, बाकी पानी तो मरामत नहीं हो पावा था। नहीं होगा तो चुनाव में असर पड़ेगा इसका? हाँ पड़ेगा, तभी तो बोल पड़ेगी है ना, अब वही बोलना है गांव में पानी के असर में। आप भी युवा है, किस तरह की समस्या देख रहे हैं गांव में पानी का, पानी को लेकर किस तरह की समस्या ला रहा? बहुत समस्या है सर पानी के, ये गड़िया है बिन फालतू के, हाँ पानी देहू कह के, हाँ तो हमला पानी चाहिए, हाँ बहुत वो खेत ले खोदा था ना उलाना था, बहुत के समस्या है पानी के घाटा है ज्यादा हमला। हाँ चुनाव के समय नेता लोग पहुँचते होंगे, हाँ पानी देंगे बिजली देंगे ये देंगे, कुछ मिलता है? नहीं मिलते, नहीं मिले गोटला तो बहुत बता देते, हाँ धुनक देते, हाँ। कुछ काम नहीं हुआ है। तो अभी 2 महीने बाद फिर चुनाव है, 3 महीने बाद फिर नेता पहुँचेंगे, हाँ। क्या मुद्दा रहेगा लोकसभा चुनाव का आप लोगों का? कोई नहीं रहे, पानी वाले समस्या, पानी की समस्या है ज्यादा, पानी की समस्या, हाँ। चुनाव में असर पड़ेगा इसका पानी आप लोग का? बिल्कुल पड़ेगा, हाँ पड़े, बिल्कुल पड़ जाएगी, पड़ेगा ना। आप क्या बोल रहे हैं बताइए? हमारे पानी के बहुत जरूरी है, हमारे पारा तो कुआं भी सक्सेस नहीं हुआ थे, और नल कड़ुआ ही था दे, बहु में पानी नहीं दे कड़ुआ इसके का करे, ये लगा जो नल इसमें पानी कभी आया नहीं आया है, कभी नहीं आया, कितने साल से लगा है? साल भर ज्यादा हो गए, ढाई साल के लगभग, और नहीं हो पावा थे। अभी चुनाव के समय नेता लोग आएंगे तो क्या मुद्दा उठाएंगे आप लोग? अब हम पानी आज ले काबर नहीं दिया था, कबो हम लोग पानी देबो कह रहे हैं, घर में हर चीज हो जाही तुम्हार, इन्हें नहाइहा धोइहा तुम लौती जाए के जरूरत नहीं पड़े, अभी यहाँ कांवर में बह बह के लाना था। अभी कहाँ का पानी पीते आप लोग? कुआ ठोड़ी के खेत में है बगल में। अभी जो चुनाव है 2 महीने बाद उसका असर देख रहे हैं कि कितना असर पड़ेगा इस चीज़? बहुत पड़ेगा, हम वही बोल रहे भाई आज तक हमार काम ला पूरा नहीं करे है, यही कब जो पूरा काम करेगा उसको वोट देंगे? देंगे हम सीधा सीधा बोलबो। क्या बोलोगे भाई? हमार पानी ला आज ले नहीं बनवा दे है, कुआ ला नहीं बनवा दे है आज ले, हम गर्मी में किसे करबो, पोट धो ले लाने ला पड़ते, सब शहर में जाके देखते तो सब दहर गली गली में लगे रहते, नहीं तो हमू ला उसने चाहिए ना, कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है।
कई झन सरकार बना था तबो नहीं सुने तबो नहीं सुने ना। हाँ अभी 3100 धान करे तो मिलिस का वो हर अभी नहीं मिलिस है नहीं मिले है ना। हम ठगाएंगे तब ठगाए छन नहीं दिया थे ता है ना। हाँ दादा भैया दादा आप बताओ भाई हमला पानी की समस्या है। पानी हमला जरूरी है भाई जितना कुआ है नल है सब तो सुख काटा जाती हमन दूरिया दूरिया से ला थन पानी तब भाई कोई माँ हम रांथन खाथन और नहा ला तो फिर दूरिया फिर जाबे कर थन वो नदिया है वो बहुत बहुत दूरिया उहें उहें जाथन भाई नेता पहुँचे थे का का करते नेता मनला हमन ला पानी की समस्या है हमला पानी दिया कब बोलो सुनी जा सकते नहीं सुने चुनाव के समय आते हैं। हाँ का कहते थे मिल जाए पानी मिल ही वो मिल ही सब मिल ही इसे करके घर घर मिल ही इसे करते कुछ मिलते नहीं मिले ठक के चल रहे थे नाला कैसे ठकवा है कि का है नहीं वो भाई वही हाल है वही हाल कैसे हाल जैसे मतलब पानी जैसे घर अन घर मगर सोई था आन वो कहे कह रही तब स्टार्ट कर रहे है लेकिन अब कर नहीं पावा थे तब वही नहीं मिले थे नहीं मिला थे चुनाव फर्क पड़ी है कर अब पढ़ सकते थे पढ़ सकते थे नहीं तो फिर नहीं पढ़ी भी पानी रही तेलपोट दे बस घर घर सुई आना चाहिए थोड़ा। ठीक बताए और कुछ लोग है आप क्या सोच रहे हैं किस तरह की समस्या है पानी के लेके वही समस्या आप युवा है गांव में पानी की समस्या तो चुनाव में इसका सर देख रहे हैं कितना पड़ेगा पढ़ी ना। ये हमारे साथ गांव के लोग थे जो बता रहे थे कि इनका मुख्य मुद्दा है पानी चूंकि पानी की बहुत समस्या रहती है गांव में और जिसको लेकर ये लोग काफ़ी परेशान है पिछले कई वर्षों से पानी की समस्या को लेकर ये लोग जूझ रहे हैं पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। नेता लोग चुनाव के समय आते तो हैं वादा करके चले जाते हैं पर इनकी समस्या ज्यों के त्यों अभी भी बनी हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कब तक ये जो नल लगे इनमें पानी आता है और कब तक ग्रामीणों के घरों तक पानी पहुँच पाता है। छत्तीसगढ़ तक के लिए राकेश मिश्रा पेंड्रा।